So good morning students, again we are resuming our class of the poem Hope. It was a small gap since we had learnt our last poem. So today again I am going to revise this poem, and tomorrow we will talk about the theme and summary and the possible questions that can be asked in examination. So let's start with the poem. As you can see, this is the poem. Again, start with me. Hope is given different names. If you remember, then try to just revise in your mind ki hope ko alag alag naam diye gaye hain. Some call it expectation. Koi use ummeed bulata hai ki hum ummeed kar rahe hain. Others term in future relevance. Kuch use bhavishya se jod karke dekhte hain. सम थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन. कुछ समझते हैं कि ये कुछ उपकार का कार्य है या उपकार के लिए किया गया कार्य है उम्मीद. बट टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल. लेकिन मेरे लिए ये आत्मा की उत्पत्ति है, ये कवि कह रहा है. दिस लाइन इज दैट इज टेलिंग दैट होप इज क्रिएशन ऑफ सोल. ये इट इज सेड बाय पोएट. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. क्यों ये आत्मा की उत्पत्ति है? बिकॉज इट सेज दैट जब आपकी होप पूरी होती है, यू आर वेरी हैप्पी, यू फील वेरी हैप्पी, यू फील प्लीजेंट एंड वी एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो. वेन एवर आवर होप इज फुलफिल्ड, आवर द फेस आवर ग्लोज, इट एनलाइटन्स एंड वी लीव. हम खुशी के मारे कूदने लग जाते हैं. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. And there are many instances, many examples जहाँ से हमको पता चलता है कि हम भूतकाल में इसी उम्मीद के आधार पर हम खड़े उतरे या हम आगे बढ़ पाए. अगर हम उम्मीद छोड़ देते तो हम आज जिंदा नहीं होते. We surmise of future because of hope. और इसीलिए हम भविष्य का अंदाज़ा लगा पाते हैं इसी उम्मीद के कारण. एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, ऑफ फार्मर्स, कि बरसात नहीं होती, एक साल, दो साल, तीन साल सूखा होता है, फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ते. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि अगर बारिश नहीं आती थी, लेकिन कभी ना कभी बारिश आएगी. सो वी हैव, यह देखिए, वी हैव इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, ये उसी का एग्जांपल था. नाउ सबसे मेन इसका पोएम का एक आंसर जो आपको याद करना है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है. कुछ पल के लिए हम निराश हो सकते हैं. फॉर सम टाइम आवर थिंकिंग कैन बी नेगेटिव, बट देन आफ्टर जो हमारा माइंड है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ सोल. तो उम्र जो आत्मा की उत्पत्ति है, और आत्मा जो है वो मस्तिष्क को आदेशित करती है कि और रास्ते ढूंढे जाए. सपोज वी डोंट फाइंड एनी वे टू कम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम, आपकी समस्या में हो और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप एक बार तो निराश हो जाओगे, लेकिन फिर आप दूसरी कोशिशें शुरू करोगे. सो दैट अटेम्प्टिंग इज ऑल्सो होप. देखिए यहाँ पर, एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट. और जब उम्मीद पूरी हो जाती है तो हमारा हम शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. ये पक्षियों को उड़ाता है, इसी उम्मीद पे उड़ाता है. क्या उम्मीद है वो? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, के अपने बच्चों के लिए खाना ले जाएंगे, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घरों के लिए घर मटेरियल लाएंगे घर बनाने का. इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम. ये उम्मीद ही है जो एक कली को डाली पे रहना और खिलना सिखाती है कि तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम खिलो, तुम्हें कोई देखेगा तो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, कोई तोड़ेगा, कोई खुशबू लेगा, लेकिन तुम्हें अपना काम करना है. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद द होप, कि पेड़ भी अपने पत्ते जो हैं वो खो देते, गिरा देते. कब? इस उम्मीद पे दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो हरे पत्तों से आच्छादित हो जाएगा. नाउ यहाँ पे होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स. जो आशा, जो उम्मीद है, होप है, वो हमारे निराश मन के अंदर, हमारे निराश क्रियाकलापों में उम्मीद जगा देता है. क्या करता है? उम्मीद जगा देता है. एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वॉर्म्थ. और हमारे को वो गर्म जोशी मिल जाती है, हमको वो ताजगी मिल जाती है, जिससे वो प्राप्त होता है. ऑफ द डेज एड, आने वाले दिनों के लिए हमको ऊर्जा मिलती है. आपको एक सफलता प्राप्त होती है, आप किसी कोशिश में कामयाब होते हो तो आप उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हो. होप मेक्स द लाइफ गो ऑन. और वो उम्मीद ही है जो जीवन को आगे बढ़ा रही है. अभी सब तरफ कोरोना है, ईच एंड एवरी सिटी है, हर एक गाँव तक पहुँच गया है, बट फिर भी हम क्यों जिंदा है? ऑन द होप
क्योंकि हमने पहले भी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन बनाई है, तो हम किस क्या उम्मीद कर रहे हैं दैट अगेन कि इसकी वैक्सीन बन जाएगी। सो हम भविष्य को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, भूतकाल को देख करके भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप, और जीवन जो है एक कार्यप्रणाली, और ये कार्यप्रणाली कहाँ से तैयार होती है, उम्मीद से। हर व्यक्ति घर छोड़ के जाता है काम धंधे की तलाश में कि मुझे काम धंधा मिलेगा, हम काम करने के लिए जाते हैं कि हमको काम मिलेगा, व्यक्ति हम काम करते हैं कि पैसा बचेगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, हम कहते हैं कल किसने देखा है, लेकिन फिर भी उस कल के लिए हम कुछ बचाते हैं। सो इट इज़ अ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ लाइफ। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, और ये वो उत्कृष्टता है जो जन्म के साथ ही हमारे अंदर आ जाती है। एक एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे का बताया था कि बच्चा तुरंत जन्मते ही रोता है क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो गया है, तो उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। सो दिस इज द वे द डे फ्रॉम वेयर राइट फ्रॉम द डे ऑफ वन इज बॉर्न, जिस दिन कोई पैदा होता है उसी दिन से उसके अंदर उम्मीद जो है वो आ जाती है। सो कल हम हमारे सिक्स पार्ट में इस पोएम का थीम समरी एंड पॉसिबल क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाएंगे वो पढ़ेंगे, तो ना तब तक इसको आपको याद करना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैसेज भी कर रहे हो आप लोग, मेहनत भी कर रहे हो तुम सब, अच्छे से पढ़ना। हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसमें हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में केवल अभी एक ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वो वापस दो टाइप की SN1 और SN2 हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अब उनमें SN1 और SN2 के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी एल्किल हैलाइड से साइनाइड फॉर्म कर सकते हैं, फिर साइनाइड से भी हम प्राइमरी एमीन एसिड एमाइड फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन फॉर्म कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड फॉर्म कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड। फिर है एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH एक्वस NaOH और नम का मतलब होता है एक्वसी होता है, एक तरह से AgOH लिख लो या नम Ag2O लिख लो, उसी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल फॉर्म होते हैं। ये हमने पढ़ा टर्शियरी हैलाइड रिएक्शन सबसे ज़्यादा देते हैं। फिर है एल्किल नाइट्राइट और एल्किल क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले है अगर हम कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, KNO2 से कराते हैं, तो क्या बनता है RONO। बॉन्डिंग आपको नहीं याद रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं RONO, और क्या बनता है KX। और अगर हमने क्या लिया एल्किल नाइट्रो एल्केन भी फॉर्म कर सकते हैं, अगर हमने क्या लिया यहाँ पे AgNO2 लेंगे तो क्या बनेगा RNO2 प्लस AgX, सेम रिएक्शन केवल R बदल जाएगा, R की जगह अगर अपने C2H5Cl लिया KNO2 लिया तो क्या बनेगा C2H5ONO प्लस KCl। अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिया C2H5Cl प्लस AgNO2 तो क्या बनेगा C2H5NO2 प्लस AgCl। देखिए अंतर, यहाँ पे मैंने KNO2 लिया तो ONO बना, यहाँ पे मैंने AgNO2 लिया तो यहाँ पे क्या बना RNO2। यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड फॉर्म होते हैं, और अगर हम सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन फॉर्म होती है। ये देखिए एथिल नाइट्राइड बना और यहाँ पे नाइट्रो एथेन फॉर्म होती है।
ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर भी सेम वो ही है कि इसमें के एन ओ टू क्या है, आयोनिक कंपाउंड है और ये इसमें क्या है, ए जी एन ओ टी क्या है, सहसंयोजक कंपाउंड है। इसमें जो बॉन्ड टूटता है तो ओ पे क्या आता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो ओ पे क्या आता है, माइनस, यानी नाभिक स्नेही का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, इसीलिए नाइट्राइड फॉर्म होते हैं। जबकि ये सहसंयोजक यौगिक है और इसमें नाइट्रोजन पे क्या आता है, लोन पेयर भी होता है और माइनस भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे नाभिक स्नेही का काम कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, इसीलिए उत्पाद क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होती है। तो बच्चों अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल नाइट्राइड फॉर्म होते हैं, और अगर हम सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन फॉर्म होते हैं। तो ये आपके कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है, ध्यान रखना। अगर ये लिखा हुआ है तो नाइट्राइड बनाना है और ये लिखा हुआ है तो नाइट्रो बनाना है, एन से जोड़ना है, बाकी ओ एन ओ लिखना है। क्यों होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की तरह काम करता है क्योंकि NO2 क्या है, उभय दंतुक लिगेंड है। के NO2 में ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की तरह काम करता है और जबकि AgNO2 में N नाभिक स्नेही की तरह काम करता है। तो ये नाइट्रो एल्केन का निर्माण भी हमने पढ़ चुके हैं, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण RX की रिएक्शन KNO2 से कराई, RONO बना, यानी अगर जो मेथिल क्लोराइड लिया तो मेथिल नाइट्राइड बना, एथिल क्लोराइड लेंगे एथिल नाइट्राइड बनेगा, अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगी, यानी कि अगर हमने एथिल ब्रोमाइड एथिल क्लोराइड लिया तो क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन फॉर्म होगी। ऐसा क्यों होता है ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब है ईथर का निर्माण। अभी तक हमने साइनाइड बना दिया, एल्किल आइसोसाइनाइड बना दिए, अल्कोहल फॉर्म कर दिया, नाइट्राइड फॉर्म कर दिया, नाइट्रो एल्केन फॉर्म कर दी। अब सिक्स पढ़ रहे हैं ईथर का निर्माण। ईथर कैसे बना सकते हैं? अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O नम, ध्यान रखना नम लेंगे तो प्रतिस्थापन रिएक्शन में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे शुष्क लेंगे तो ईथर फॉर्म होगा और अगर नम लेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के होते हैं दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और ईथर फॉर्म करते हैं, ये मैं अलग से आपको भी समझा दूंगी। इस रिएक्शन में अगर हम कोई एल्कोक्साइड लेते हैं तो बनता तो ईथर है, लेकिन उस रिएक्शन को विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन कर कहते हैं। ये शायद कट गया, मैं नोट्स में डाल दूंगी। ये देखिए आप, अगर हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, अगर उसकी रिएक्शन शुष्क Ag2O की प्रेजेंस में कराएंगे, Ag2O की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो दो एल्किल हैलाइड लेंगे, ध्यान रखना, तो क्या बनेगा, ROR ईथर फॉर्म होगा और 2AgX निकल जाएंगे। अगर हमको यहाँ पे आपने मेथिल लिया तो डाइमेथिल ईथर बन जाएगा और अगर आपने एथिल लिया तो क्या बनेगा, डाई एथिल, ये आर पे डिपेंड करता, एथिल लोगे तो डाई एथिल एथिल, मेथिल लोगे तो इसको एथोक्सी एथेन भी बोलते हैं और 2AgCl। लेकिन अगर यही एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएं, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड होता है RONA, ये कैसे बनता है, सोडियम एल्कोहल, इसको सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। अगर हम किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम,
एनए से कराओ या एनएओएस से कराओ, किसी से भी कराओ, मेटल से कराओ या एनएओएस से कराओ, तो क्या बनता है? आर ओ एन ए, ये एल्कोक्साइड बनता है। एल्कोहल की रिएक्शन एन ए एन ए ओ एच या किसी भी क्षार से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। जो एल्कोक्साइड, यहाँ पे अगर मेथिल लिया तो मेथोक्साइड, एथिल लिया तो एथोक्साइड, और क्या बनता है? हाफ एच टू, हाइड्रोजन रिमूव होती है। और अगर यहाँ पे एन ए ओ एच ले लेते हैं तो वाटर फ्री होता है। अगर इसकी एल्कोक्साइड से प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? आर ओ आर बनता है, ये भी आर ओ आर, ईथर फॉर्म होता है, और क्या बनता है? एन ए एक्स। लेकिन ये जो रिएक्शन है एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन है, वो विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना, एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O से कराते हैं तो ईथर होता है, और नम Ag2O से कराते हैं तो एल्कोहल होता है। तो एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O से कराते हैं तो ईथर बनता है, और अगर हम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो भी ईथर बनता है, लेकिन उस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया ईथर का निर्माण, ये कट गया, मैं नोट्स में डाल दूंगी। अब थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण वही बेटा, जहाँ पे अपने, यहाँ पे अपन ने क्या लिया? Ag2O लिया। थायो शब्द का यूज कब करते हैं? जब सल्फर लेते हैं हम, अगर हम कोई भी RX की रिएक्शन Na2S सोडियम सल्फाइड, या इसको सोडियम मर्केप्टाइड NaSC2H5, ये भी एल्कोहल से बनता है, थायोल से, तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है। ये देखिए कैसे बनता है, अगर हम एल्किल हैलाइड लिया Na2S थायोइथ, सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ROR बन गया। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ले लो और क्या बन जाएगा? 2NaX। अगर आपने यहाँ पे एथिल लिया तो डाई एथिल एथिर, और मेथिल लेंगे तो डाई मेथिल, ये जैसे मैंने CH3X ले लिया यहाँ पे, और उसकी रिएक्शन किससे कराई? Na2S से, तो क्या बनेगा? CH3O CH3+ NaCl, ये टू मॉलिक्यूल्स। इसको डाईमेथिल डाईमेथिल ईथर या मेथोक्सी मेथेन बोलते हैं। तो हम Na2S से भी बना सकते हैं, और जैसे हमने एल्कोहल से क्या बनाया था, एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई थी? Na से कराओ या NaOH से कराओ, क्या बनता है? एल्कोक्साइड फॉर्म होता है, वैसे ही मर्केप्टाइड बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रिएक्शन में RX की रिएक्शन किससे करा दी, इसकी जगह जैसे वहां पे अपन ने क्या लिया? RONA लिया था, बस यहाँ O की जगह क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, RSNA। अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बनता है? ईथर फॉर्म होता है, कौन सा? थायो ईथर। S की जगह यहाँ पे जैसे S आया तो यहाँ पे ईथर कौन सा बनेगा? S। यहाँ पे भी हम क्या बनेगा? S, थायो ईथर बनता है। तो अगर हम Ag2O लेते हैं तो ROR बनता है, और Na2S लेते हैं तो RSR बनता है। ये ध्यान रखना, अगर हम एल्कोक्साइड लेते हैं तो भी ईथर बनता है, उस रिएक्शन को हम विलियमसन बोलते हैं, और अगर हम मर्केप्टाइड लेते हैं तो भी क्या बनता है? ईथर बनता है, थायो ईथर। ध्यान रखना,
ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो हम क्या बना सकते हैं, ईथर भी बना सकते हैं और थायो ईथर भी बना सकते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्कोहल बनाना, एल्किल नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन, ईथर एंड थायो ईथर। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम थायोल और एमीन कैसे बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। अपना जो लेसन चल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र, उसके अंतर्गत अपन ने लास्ट जो टॉपिक था, अपन ने कल तक जो पढ़ा था वो अपना टॉपिक था ग्रेसिका, जहाँ अपन ने ग्रेसिका से स्टार्ट किया था, यानी ईसोफेगस, है ना। ईसोफेगस अपना टॉपिक चल रहा था, उससे पहले अपन ने फेरिंग्स, बकल कैविटी, टेट, टंग, ये सारी चीज़ें अपन ने स्टडी कर ली है, उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। अपना जो टॉपिक आज का है वो ईसोफेगस है। वैसे तो अपन ने कल चालू कर लिया, लेकिन एक जनरल बात उसके अंदर कर ली थी, लेकिन आज पूरा अपन इस ईसोफेगस का यानी ग्रसिका का पूरा अध्ययन करेंगे। इसकी हर एक बात को जानेंगे, ग्रसिका क्या है, कैसी है, किन उत्तकों की बनी हुई है, कैसे सेल्स हैं इसके अंदर, है ना, कौन से मसल्स हैं इसके अंदर, कौन सी पेशियां हैं इसके अंतर्गत, कैसे फूड इसके अंदर एंटर करता है, कौन सी इसके अंदर मूवमेंट्स होती है ना, जो गट मूवमेंट अपन ने बात करी थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, या क्रमानुकंचन गति, इन चीज़ों को आज थोड़ा अपन विस्तार से समझेंगे। तो ईसोफेगस, कल मैंने छोटा सा आपको डायग्राम बता के बताया था इसके अंदर कि ईसोफेगस की संरचना कैसी होती है और कैसे जुड़ती है, आज फिर से बना रहा हूँ। देखें आप, एक तो आप डायग्राम बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस करोगे डायग्राम सुधर जाएंगे और आपके बायोलॉजी पूरी इस डायग्राम पे ही टिकी हुई है ना। जितना अच्छा इसका डायग्राम बनेगा उतना आपको बेनिफिट्स है, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेंगे ना, क्योंकि डायग्राम क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल है जो आपके लिए एक अच्छा लुक देता है, है ना, एक्सप्रेस करने का अच्छा माध्यम है। किसी आंसर को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसका तरीका जब अच्छा हो तो जनरल हम जानते हैं एक नंबर मिलने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो एक्सप्रेसिव मटेरियल होना चाहिए, अट्रैक्टिव मटेरियल होना चाहिए, है ना, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। हम जानते हैं शादी ब्याह होते हैं, घर को रंग रोगन करते हैं, घर को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो चाहे हम अंदर से कैसे भी हों लेकिन उस सजावट से आने वाला मन मोहित हो जाता है। तो ये डायग्राम भी वैसा ही है, अगर आप डायग्राम नहीं रिप्रेजेंट करोगे, इसको लेबल नहीं करोगे, एक तो डायग्राम ऊपर से लेबल्ड, तो लेबल नामांकित चित्र होना चाहिए, अपना चित्र जैसा भी नामांकित होगा तो वैसे नंबर मिलने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो ये जो अपनी संरचना बनाई मैंने, ये संरचना आपकी ईसोफेगस है ना, इस ईसोफेगस से ये आपका आमाशय जुड़ा हुआ है ना, स्टोमक, एब्डोमन कैविटी, ठीक है, इसके अंदर होता है बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, है ना। इसके बाद अपन आमाशय ही पढ़ेंगे, तो आमाशय से पढ़ने से पहले अपन इस ग्रसिका के बारे में या ईसोफेगस के बारे में डिटेल जान लें। ये ग्रसिका जो है आपके तीन भागों में बटी हुई है, वन थर्ड एंड वन थर्ड, इन तीन भागों में जो ग्रसिका बनी हुई, ऊपर थोड़ा भाग और थोड़ा भाग नीचे, ये छूट जाता है, बाकी जो वन थर्ड भाग जो आपका दिया हुआ है, इनके अंदर क्या होती है, कंकाली पेशियां होती है। आप जानते हैं पेशियों के बारे में बता चुका हूं मैं, तो कौन कौन सी पेशियां होती है, कौन कौन से मसल्स होते हैं, है ना, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, है ना, और चिकनी पेशियां, रेखित पेशियां, है ना, अरेखित पेशियां, अलग अलग तरह की तीन तरह की पेशियां अपन ने पढ़ी है, कंकाली, चिकनी, रेखित, ऐसे अलग अलग पेशियां पाई जाती हैं। तो बीच वाला जो होता पार्ट वो कंकाली प्लस चिकनी पेशियों का बना होता है, और लास्ट वाला जो भाग होता है वो ओनली स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियां होती हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वन थर्ड, वो आपका कंकाली पेशियों से बना हुआ भाग है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ईसोफेगस की। मध्य का जो भाग होता है लगभग वन थर्ड, वो आपके कंकाली प्लस चिकनी पेशियों का बना होता है, और लास्ट का जो वन थर्ड भाग है वो ओनली चिकनी पेशियों का बना होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से भोजन का पार्ट अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है, ईसोफेगस से अंदर जाता है, तो ये चिकनी पेशियों की वजह से इनके अंदर क्या होती है, एक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टेल्टिक मोमेंट है ना, इस मूवमेंट के खातिर क्या होता है, भोजन आपका अंदर एंटर करता है और घुसता भी कौन से भाग में है, ये एक भाग है, इस भाग को कहते हैं कार्डियक भाग, कार्डियक पार्ट है ना, कौन सा भाग, कार्डियक भाग। तो ये आमाशय का कार्डियक भाग है और इधर जो भाग होता है वो होता है फंडस। जानते हो हम आमाशय को भी चार भागों में बांट रखा है, ये भाग क्या है, काय, और इधर का जो भाग होता है वो होता है आपके पाइलोरिक। ये आमाशय को चार भागों में बांट रखा है ना। तो इसका जो ग्रेसिका का अंतिम सिरा, इसके दो सिरे हैं, एक तो अग्रसिरा, कल बताया था आपको मैंने, अग्रसिरा, और ये है पश्चसिरा। फ्रंट पोर्शन एंड डॉर्सल पोर्शन है ना, ऐसा बताया था आपको, अग्रसिरा। और अग्रसिरे को क्या बोलते हैं अपन, निगल द्वार। और निगल द्वार को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गुलेट, है ना, गट और गुलेट। आप जब मुंह के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, एक घाटी ढक्कन आएगा, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ऐसा आपने सुन रखा है ना, अंदर मुंह के अंदर और नासा द्वार को मिलाने के लिए एक अंदर ढक्कन बना हुआ है, जो क्या होता है टाइम टू टाइम आपके बंद होता रहता है, ओपन होता रहता है। जब हम भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो उस समय वो घाटी ढक्कन ऊपर चला जाता है तो श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। इस वजह से आपका जो भी खाना है, फूड मटेरियल है, वो आपके नासा मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। तो ईसोफेगस से अंदर आया, एंट्री करी ऊपर की तरफ आपके फेरिंग्स, तो अग्र सिरे में इसके एंटर करी और इस यहाँ से होता हुआ इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ और ये कहाँ एंटर करेगा, आपके कार्डियक पार्ट में ना। कार्डियक पार्ट में जाने के बाद ये आमाशय के अंदर रोलिंग करेगा। तो उससे पहले अपन इस ग्रेसिका के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक करके पॉइंट वाइज अपन लिख लेते हैं, तो आप अपनी कॉपी में उतारते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो ध्यान से लिखते रहे ना। मैं इसका कुछ भाग लिख रहा हूँ, ध्यान दें। फर्स्ट भाग, इसका फर्स्ट बिंदु आपके क्या रहेगा कि जो ग्रसिका है वो क्या है, पहली चीज लिखेंगे यह एक लंबी पेशियों चिकनी, क्या लिखा, यह एक लंबी पेशीय चिकनी नलिका रूपी संरचना होती है। क्या लिखा, यह एक लंबी पेशीय चिकनी नलिका रूपी संरचना होती है। दूसरा क्या लिखेंगे, इसके दो सिरे होते हैं, इसके दो सिरे होते हैं, फर्स्ट अग्रसिरा और दूसरा पश्चसिरा। दिख रहा है चित्र में, ये हो गया आपका अग्रसिरा, ये हो गया आपका नीचे वाला जो सिरा वो हो गया आपके पश्चसिरा, है ना। ये एंड पार्ट हो गया, स्टार्टिंग पार्ट हो गया अग्रसिरा ना। अग्रसिरे को आप निगल द्वार भी बोलते हैं, जहाँ से वो एंटर करता है, निगलता है, फूड को लेता है अंदर, यहाँ से, है ना। तो ये पश्चसिरा हो गया। तीसरा भाग क्या लिखेंगे अपन, कि इसके अंदर एक अवरोधनी पाई जाती है यहाँ पे, है ना, जिसे बोलते हैं जठर अवरोधनी। इसके अंदर यहाँ पे एक अवरोधनी है, यहाँ पे एक अवरोधी होती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रसिका अवरोधनी। क्या बोलते हैं, जठर ग्रसिका अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, है ना, इसको बोलते हैं अवरोधनी। अवरोधनी मतलब होता है कि यहाँ जब फूड जाएगा तो फूड को नियंत्रित करना, नियंत्रित करने के बाद ही आमाशय, तो यहाँ क्या होगा, इस
ग्रसिका के इस भाग द्वारा नियंत्रित होगा, तो वो जठर ग्रसिका अवरोधनी जो है इस फूड को एंटर करने से थोड़ा सा क्या करेगी, जो इसकी स्पीड होगी, इसके जाने की जो गति होगी, उस गति को क्या करेगा, कम करेगा, तभी ये यहाँ अंदर प्रवेश करने देगा। तो अपन जान रहे अवरोधनी क्या करेगी, अवरोधनी तीसरा पॉइंट, अवरोधनी भोज्य पदार्थों को आमाशय में जाने को नियंत्रित करेगी। तो अवरोधनी का कार्य क्या हो गया, कौन अवरोधनी है, जठर ग्रसिका अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्टर्स क्या करेंगे, ये जो भोज्य पदार्थ है या फूड मटेरियल जो है, उस फूड मटेरियल को ये हमारी आमाशय में जाने के लिए क्या करेगी, उसको थोड़ा सा स्टॉप करेगी, इसकी स्पीड को कम करेगी, ताकि वो क्या होगा, एक साथ फूड हमारा आमाशय के अंदर स्टोर ना हो। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, कितना के तीन पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट यह, एक लंबी पेशी चिकनी नलिका रूपी संरचना होती है, किसके बारे में लिख रहे हैं अपन, ग्रसिका है ना, ऐसा नहीं पढ़ दो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं, तो ग्रसिका के बारे में लिख रहा हूँ, जितने भी पॉइंट हैं वो क्या है, ईसोफेगस के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ईसोफेगस, ठीक है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स हैव अ टू एंड्स, फर्स्ट इज जो फ्रंट पार्ट और सेकंड इज डोर्सल पार्ट, तो ये ध्यान रखना, पश सिरा अग्र सिरा, फिर इसके अंदर क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट क्या हो गया, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, क्यों, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी वक्ष गुहा के मध्य से होकर ये कहाँ तक जाती है, आमाशय तक पहुँचती है, तो इसकी लंबाई जो है वो आपकी क्या है, 25 सेंटीमीटर तक होती है। फिर पांचवा पार्ट लिखेंगे, यह ग्रसनी तथा आमाशय के मध्य का भाग है, क्या है ये, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 मीटर लेंथ, और क्या, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड स्टोमक या एब्डोमेन कैविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे छठा पार्ट, इसमें जो भोजन है, इसमें क्या भोजन क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचता है बाय कौन सी गति हो गई, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड रीच द इन टू द स्टोमक, क्या लिखा गया, अ फूड इज एंटर्ड इन टू द स्टोमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फूड एंटर्ड इन टू स्टोमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, क्या लिखेंगे, जो गति है क्रमानुकुंचन गति ग्रसिका के अंतिम 1/3 भाग से प्रारंभ होती है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना, क्या लिखा, क्रमानुकंचन गति जो है यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो आपके 1/3 पार्ट जो बचा आपका ग्रसिका का, लास्ट वन इज 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस हैज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन गति जो है वो लास्ट 1/3 भाग जो है ग्रसिका का वहाँ से स्टार्ट होगी, और इसी गति से, इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आप ये जो फूड है कहाँ एंटर करेगा,
इस कार्डियक भाग में। तो आठवां पॉइंट्स क्या हो गया आपके, कि जो ग्रैसिका से जो भोजन है वो आमाशय के कार्डियक भाग में एंटर करता है। लिख लेंगे आठवां टॉपिक। आठवां टॉपिक क्या लिखना है कि फूड या भोज्य पदार्थ ग्रैसिका से आमाशय के कार्डियक भाग में एंटर करता है या पहुंचता है। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीज़ें लिखी है अपने, आठ नौ पॉइंट्स जो लिखे वो पॉइंट्स क्या हैं, ग्रैसिका के हैं। तो ग्रैसिका के दो सिरे हो गए, एक अग्रसिरा एक पश्चसिरा, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गई, ये चिकनी रेखित है ना पेशी हो गई, इसमें तीन तरह की पेशियां हैं, इसमें तीन तरह के मसल्स है, स्केटल मसल्स, स्मूथ मसल्स है ना, कंकाली पेशियां, चिकनी पेशियां। फिर ये जहाँ से आमाशय से कनेक्ट रहता है उस भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट है ना। तो अटैचमेंट जो पार्ट है वो कौन सा है, कार्डियक भाग। आमाशय के चार भाग हैं है ना, आमाशय डिवाइड इनटू फोर कॉलम्स, फंडस, काय, कार्डियक एंड पाइलोरिक। तो ये आमाशय का हो गया। तो यहाँ से फूड आमाशय में जब एंटर करता है तो उसके आगे अपन आमाशय की बात करेंगे। तो ये पूरी जो ग्रसिका थी वो पूरी ग्रसिका आपके कहाँ है, वक्ष गुहा के मध्य में है ना, यहाँ से कहाँ से, फेरिंग से लेकर वक्ष गुहा के मध्य से होती हुई आपके आमाशय तक पहुँचती है। तो इसका अंतिम पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, ग्रसिका वक्ष गुहा के मध्य से होती हुई आमाशय तक पहुँचती है। तो ये आपका ग्रेसिका वाला पॉइंट जो था, अपन ने आठ नौ बिंदु जो लिखे ये ग्रेसिका के अंतर्गत आते थे, यानी ईसोफेगस के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके ईसोफेगस कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपन बात करेंगे आमाशय की, यानी स्टोमक की बात करेंगे, यानी एब्डोमन कैविटी की बात करेंगे। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी अपन आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय। तो वो एग्जाम्पल आए हो वो आपने करे होंगे, बट उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करके बता देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर क्वेश्चन को करना कैसे। जैसे उससे पहले भी कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जब भी आप इंटरचेंज करते हो दो कॉलम्स या दो रोज को, तो उसके लिए आप इंटरचेंज का साइन लगाते हैं, सी आई इंटरचेंज बाय सी जे, इट कुड बी सी वन इंटरचेंज बाय सी टू इस तरीके से, या फिर आई इंटरचेंज बाय आर जे, या फिर हो सकता है सी आई को आपने इंटरचेंज किया है के सी आई या फिर के सी जे से। यहाँ पर कोई मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर कॉलम को आपने के सी आई में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब उस कॉलम में पूरे कॉलम में के का मल्टीप्लाई, ये चीज़ आप उसमें कर सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो बस डिटर्मिनेंट की एलसी में चेंज आता है, बस कुछ इस तरीके से इंटरचेंज किया जा सकता है, अगर आर आई को चेंज कर सकते हैं आर आई प्लस के आर जे सी, सेम एस कॉलम के लिए भी रहेगा, कॉलम आई को हमने कर दिया कॉलम जे सी। अब यहाँ पर जो भी आई जी डी है वहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आर वन है और यहाँ पर आर वन प्लस के आर वन कर सकते हैं, नहीं चीज़ नहीं करना, आई और जे दोनों ही डिफरेंट है। और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम मैट्रिक्स में बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बेसिक नीड होती थी कि
जी जैसे फर्स्ट है 2/2 और सेकंड इज 3/3, तो इट इज नेसेसरी कि यहाँ पर ये जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल। अब यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पर ऐसा करते जरूरी नहीं है कि जो दो डिटरमिनेंट्स आपको दे रखे हैं सेम ऑर्डर के हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दो डिटरमिनेंट्स का होगा मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, ये ले लिया हमने a1 b1 c1 d1, और यहाँ पर मैंने ले लिया α1 α2 β1 β2। अब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट थिंग तो ये कि इसको सॉल्व करो, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय इसको सॉल्व करने जो आंसर आया है, नहीं तो एक ऑप्शन ये होता है कि डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि ना ये रो जिसको क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम के ईच टर्म से, तो यहाँ पर रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं। जैसे रो का कॉलम से किया तो फर्स्ट वाले से कम्प्लीट हुआ a1 α1, डिटरमिनेंट में आएगा a1 α1 प्लस b1 β1। नेक्स्ट इससे हो गया तो क्या बचा, ये सेकंड कॉलम, तो जो हो जाएगा a1 α1 एंड b1 β2। ये हो गया a1 b1 का काम, इसका मतलब ये c1 d1 का फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से c1 α1 प्लस d1 β1। c1 d1 का मल्टीप्लीकेशन होगा सेकंड कॉलम से c1 α2 मल्टीप्लाई प्लस b1 β। क्लियर, ये डिटरमिनेंट में है, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो सेम आंसर आएगा जैसा हम इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं। नहीं कि हम रो कॉलम वाला नहीं करना चाहते तो इसकी वजह हम ये भी कर सकते हैं, रो का मल्टीप्लीकेशन रो से, तो फर्स्ट रो का पहले मल्टीप्लीकेशन किया फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो का ही सेकेंड रो से मल्टीप्लीकेशन। जैसे दूसरा मैथ में अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए ये रहेगा a1 b1 c1 एंड d1 मल्टीप्लाई विद α1 α2 β1 एंड β2। ये मल्टीप्लीकेशन अगर हम रो रो में ही चलाते हैं तो क्या आ जाए, डिटरमिनेंट तो रहेगा a1 α1 प्लस b1 α1 और सेकेंड रो की बारी है अब a1 β1 और b1 β2। सेम है सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और सेकेंड रो में, c1 α1 प्लस b1 α2 सेकेंड रो से, तो c1 β1 प्लस c1 β2। तो कहने का मतलब चाहे आप डिटरमिनेंट में रो रो का मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर रो कॉलम से कर रहे हो, दोनों में ही सेम। अब ये स्कोर उसको सेम क्यों कहेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर फर्क नहीं पड़ता रो कॉलम सबर में इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही रहता है जो कि उसका रियल जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट रहता है उसके। इसीलिए आप चाहे तो रो रो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेस्ट तो यही रहता है सबसे पहले इसको सॉल्व करो देन इसको एंड डू द मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई करो आपके बस आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हाँ एक और चीज की कोई भी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तब भी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो भी। हमने कोई एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये कोई डिटरमिनेंट दे रखा है हमको 1 2 2 1 और दूसरा डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 3 2 1 3 1 2 4। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, डायमंड को मल्टीप्लाई करना है 10 से, व्हाट वुड वी डू, लेटर को मल्टीप्लाई करना है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए एटलीस्ट सेम ऑर्डर का हो, सेम ऑर्डर नहीं तो यहाँ पर
तो सकता है बट इसको इसके जैसा लिखना भी तो पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे हम? ये जो 1221 है यहाँ पर ऑर्डर 3 था, ये ऑर्डर 2 का, तो इसको हम 3 में लिखने की ट्राई करेंगे, तो कैसे होगा ये? यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ले लिया, फर्स्ट वो है ही नहीं इसकी इस तरीके से, तो 1 0 0 0 0 ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ 1 2 2 1 इस चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 का एलिमेंट 0 1 का जो रहेगा, जैसे 1 के लिए आपको फैक्टर चूज करेंगे 1 into 1221 इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1 into 1221 और बाकी सारे एलिमेंट माइनस प्लस वो तो 0 आ रहा है, तो ये चीज़ आएगी तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 ये ऑर्डर 3 का भी हो गया और इसमें और इसमें कोई फर्क भी नहीं है एंड मल्टीप्लाई विद 2 डिटर्मिनेंट नंबर 1 2 3 2 1 3 and 1 2 4 तो इसी तरीके से हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपको अच्छा लगता है कि रो मल्टीप्लाई विद रो तो आप इस तरीके से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी। कॉलम से अच्छा लगता है तो आप कॉलम वाइज चलेंगे, एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ नहीं चलेंगे, जैसे इसमें रो वाला चल रहा है तो ये वाला भी रो ही होगा, ये वाला भी रो से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट मेथड है ये 1 - 1 - 2 - 4 यहाँ पे आ गया हमारे पास ये -3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उन दोनों को आप इसे मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट जो है आपका, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल है आपने देख भी लिया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, जो एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है वहां पर क्या है, ये जो चीज दे रखी है 49 39 and 1 7 2 6 4 1 यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे ये चीज है 6 एंड दिस इज 49, यहाँ पर अगर हम इसको एड से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 48 और इसका डिफरेंस चेक करो 49 - 48 1 फिर अगेन 8 - 4 - 32 - 32 - 7 और 8 - 1 - 8 - 10 - 8 किया था 2, तो ऐसा करने पर क्या होता है, व्हेनेवर वी डू कॉलम नंबर 1 की जगह पर हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, कॉलम 1 माइनस 8 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1 7 2 1 7 2 1 7 2 6 4 1 6 यहाँ पर कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 बोथ आर इक्वल, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल से आई थिंक आप कर लेंगे, इनमें से मैं कुछ की आपको करा रही हूँ, जैसे जैसे एग्जांपल नंबर 10 है आपका, वो क्या है a - b - c - c - a - n - n - t - t - n - x - y - y - z - z - x। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है विदाउट एक्सपांडिंग, बिना एक्सपांड करे आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे हम ये चीज करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो a - b - b - c - c - a, यहाँ पर m n p वाला चल रहा है, यहाँ पर x y z चल रहा है, तो जब भी हमको बिना एक्सपांड करे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो कोशिश करें कि ऐसा ऑपरेशन लगाए जिससे या तो कुछ कॉमन निकल जाए या फिर कहीं कहीं 0 बन रहा हो या फिर 1 बन रहा हो। अब यहाँ पर हम जो चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं a b और दो बारी b आ रहा है, एक माइनस का एक प्लस का, दो बारी a आ रहा है प्लस माइनस का, कहने का मतलब अगर ये साथ में सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ आर वन की जगह पर मैं कर लूँ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, जब भी ऑपरेशन लगा के तो जहाँ पर भी चेंज आ रहा है उसमें चेंज करना, अदरवाइज बाकी की चीज़ें जो है वो सेम रहेगी आपको, तो ये सेकेंड और थर्ड जो है वो सेम है, ए माइनस ए वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब आर वन में चेंज करें तो इनके प्लेसेस पे लिख देते हैं हम क्या नंबर आना चाहिए आर वन आर टू प्लस आर थ्री, तो यहाँ पर जब करा ए माइनस बी, बी से बी हट गया, सी से सी हट गया, ए से ए हट गया, जीरो दैट इज एम सॉरी हाँ ओके एम माइनस एन एन माइनस थ्री
एन एन माइनस पी, एन से एन हट गया, पी से पी हट गया, एन से एम हट गया, यहाँ पर भी जीरो बचा, यहाँ पर देखिए वाई से वाई, माइनस जेड जेड और एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज जीरो, तो इसके आंसर क्या होना चाहिए, जीरो बाय द प्रॉपर्टी, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय द प्रॉपर्टी. All the elements of R1 is 0, that's why the determinant is 0. Okay, इस तरीके से और भी questions है, जैसे 1, 1, x, y, z, x square, y square and z square, इसको आपको prove करना है, prove that is equal to x square square, y minus z into z minus. सारे मल्टीप्लाई में ओके एग्जाम्पल नंबर 11 ही आपका है. ये क्या कह रहा है, आपको ये आंसर लेकर क्या था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड. अब ये चीज कैसे लेकर दें, जब भी आप इससे मल्टीप्लीकेशन में आंसर लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि कोशिश ये करो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें आप डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सको, कॉमन निकाल सको. तो अगर हम पूछेंगे एक्स माइनस वाई, तो हम कोशिश करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक्स माइनस वाई बने. तो कैसे बनेगा, एक्स कहाँ नजर आ रहा है, y is here, तो इसको जब सॉल्व करना है मुझे चाहिए x माइनस वाई, चाहिए x में से y को माइनस करना है, तो अकेले x माइनस वाई नहीं कर सकते, x कौन सी रो में बैठा है, r1 में बैठा है, y किस में बैठा है, r2 में बैठा है, हमको क्या करना है, x में से माइनस को y को माइनस करना, तो r1 माइनस r2 करना पड़ेगा, किसकी जगह पर चाहिए, जो अच्छा लगता है उसमें रख लो, चाहे तो r1 में चाहे तो r2 में, तो मैंने रखा आर वन में आर माइनस आर टू, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वन में से बन गया जीरो, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन वाई, वाई स्क्वायर, वन जेड, जेड स्क्वायर, दैट्स इट. अब इसके बाद हमको जो एक्स माइनस वाई, ठीक है एक्स माइनस वाई यहाँ दिख दिया, यहाँ जीरो है और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस वाई इसमें भी है, तो हम चाहे इस फर्स्ट रो में से एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल सकते, तो निकाला यहाँ से कॉमन, हमारे पास क्या बचा, जीरो वन, एंड यहाँ पर क्या बचना चाहिए, एक्स प्लस वाई, और बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी, जैसे यहाँ पर थी वैसे की वैसे. नेक्स्ट अगर हमको करना रहेगा x माइनस वाई, तो इस तरीके से आगे बचा y माइनस z, तो देखो y कहाँ आ रहा है, z कहाँ आ रहा है, y यहाँ आ रहा है, z यहाँ आ रहा है, ये किस में r2 में है, ये किस में r3 में है, y माइनस z चाहिए, यानी कि r2 माइनस r3, आप चाहे तो r2 में रखो चाहे r3 में रखो, एक ही बात है, ये करोगे तो y माइनस z आ जाएगा, उसमें से y माइनस z बाहर निकालोगे तो अगेन y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, इसी तरीके से ये भी बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचता है उसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, तो हमारे पास z माइनस x भी आ जाएगा. इसी तरीके से आपको ऑपरेशन लगाने जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग. अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है और जो एग्जांपल्स भी है वो सारे ही आपको ट्राई करने हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.